हाउ टू चेंज हैमर ड्रिल बिट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सीखो हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी है इस टाइप की हैमर ड्रिल मशीन और दोस्तों आप इसकी बिट को चेंज करना चाहते हैं और आप इसको निकालना चाह रहे हैं पर आप इस बिट को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आप दोस्तों इसकी बिट को चेंज कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से इसको लगा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने ड्रिल मशीन को प्रॉपर इस तरीके से पकड़ लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपको इसको पकड़ने के बाद, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो रिंग है जो गोल गोल घूम रही है, तो आपको इस रिंग को इस तरीके से नीचे की तरफ पुश कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको पुश कर लेते हैं, फिर आपको अपने इस बिट को इस तरीके से इजिली निकाल लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने बिट को रख देना है और अपनी एक नई बिट ले लेनी है जो आप इसमें लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस बिट को लगाने के लिए आपको अपनी इस रिंग को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस बिट को ईजिली इस तरीके से यहाँ पर रखना है और इसको प्रेस करना है। तो दोस्तों जब इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक लॉकिंग की साउंड आएंगे फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप इसको लॉक करेंगे तो देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास एक आवाज़ आई है जिसकी वजह से हमें पता लग गया कि हमारा ये बिट है प्रॉपर लॉक हो चुका है। अब ये बिट आपके इसमें से नहीं निकलेगी फ्रेंड्स। आप इसको एक बार खींच के जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये बिट लगा ली है। एक बार आपको मैं दोबारा से इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों निकालने के लिए आपको इसको प्रेस करना है और इस तरीके से निकाल देना है और नई बिट ले लेनी है और इस तरीके से इजिली रखना है और प्रेस कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको मैंने कन्फर्म कर दिया है कैसे आपको बिट को अच्छी तरीके से लगा लेना है, क्योंकि बिट बहुत अच्छी तरीके से लगी होनी दोस्तों ज़रूरी है। अगर ये सही प्रॉपर तरीके से नहीं लगा होगा तो आपको चोट भी लग सकती है। और फ्रेंड्स फिर आपको इसको यूज़ करना है, तो नॉर्मल ड्रिल यूज़ करना चाहे तो आप यहाँ पर रख के यूज़ कर सकते हैं, या एज ए हैमर यूज़ करना चाहे तो आप इसको यहाँ पर रख के एज ए हैमर और ड्रिल दोनों यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देखेंगे, हमने ड्रिल से यहाँ पर होल किया था और एज ए हैमर और ड्रिल यूज़ करते हैं, तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी जो है ड्रिल मशीन वर्क कर रही है। तो इस तरीके से आप अपने हैमर ड्रिल मशीन की बिट को चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।